अरस्तु के राज्य की विशेषताएं। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक समुदाय है, और समुदाय ही नहीं बल्कि समुदायों से भी बड़ा समुदाय है। समय में परिवर्तन पूर्व है और प्रकृति राज्य में पूर्ववर्ती रूप से दिखाई देती है। प्रकृति में व्यक्ति की में राज्य निहित है। राज्य जैसे परिवार है, फिर ग्राम है, कुटुंब है, और फिर राज्य है। इस प्रकार राज्य का विकास धीरे धीरे क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है, अर्थात सरलता से जटिलता की ओर राज्य का विकास होता है, नैतिक पूर्णता की ओर राज्य अग्रसर रहता है। राज्य व्यक्ति का लक्ष्य भी है और भाग्य भी है, और लक्ष्य जो है वो अच्छे जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य के बिना विवेकशील प्राणी न तो पूर्ण है और न ही स्वतंत्र है, न ही शांत प्रिय है। व्यवस्था, सुरक्षा, विभिन्नता और स्वास्थ्य नैतिक प्रतिबंधों की व्यवस्था राज्य करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और कमियों को नियंत्रित कर पाता है। नेक्स्ट, अगर विशेषता की बात करें तो राज्य प्रयोजन युक्त श्रेष्ठता प्राप्त करता है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, तो राज्य का भी उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति, और उस जीवन की प्राप्ति में सहयोग करता है, इसीलिए राज्य आज तक बना हुआ है। राज्य अवयव नहीं, अवयवों की भांति है। अवयव का मतलब होता अंग, और राज्य कोई एक अंग नहीं, राज्य पूर्ण है। राज्य में सर्वांगीणता है, राज्य में व्यक्ति के चहुंमुखी विकास की दृष्टि दिखाई देती है, और राज्य के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, इसलिए राज्य व्यक्ति की आवश्यकता है। नैतिक जीवन में राज्य एक आध्यात्मिक समुदाय भी है। राज्य संविधान के माध्यम से अपनी पहचान रखता है। राज्य को अगर पहचाना जाए तो संविधान के माध्यम से पहचाना जाएगा कि जैसा संविधान है वैसा वो राज्य होगा। संविधान में परिवर्तन से राज्य में परिवर्तन और उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। राज्य और शासन में भी अरस्तु भेद करते हैं, और जहाँ तक प्रकृति की बात करें तो व्यक्ति की अंतर्निहित जो प्रवृत्तियाँ हैं, आवश्यकताएँ हैं, इच्छाएँ हैं, निर्बलताएँ हैं, उन सभी कारणों में जीवन को राज्य बाध्य करता है और विकसित करने में सहयोग करता है, और स्वाभाविक प्रवृत्ति का विस्तार राज्य है। परिवार का ही तार्किक क्रम राज्य दिखाई देता है। राज्य नागरिकों का ऐसा समूह है जहाँ शासन और राज्य दोनों में अंतर दिखाई देता है। तो शासन जो है वो राजनीति सत्ता में कार्यरत लोगों का समूह है। शासन राज्य के नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। शासन में परिवर्तन शासनकर्ताओं के परिवर्तन से आ जाता है, जबकि राज्य में परिवर्तन संविधान में परिवर्तन पर होता है। संप्रभुता राज्य में निहित नहीं होकर के अरस्तु के विचार में अगर हम देखें तो शासनकर्ताओं में निहित होती है, कर्ताओं में निहित होती है। अतः राज्य व्यक्ति का वृहत रूप माना जा सकता है। धन्यवाद।